बिलासपुर जिला के नैना देवी के बस्सी ब्लॉक के खट्टेवाल जंगलों में एक तेंदुओं का शव बरामद किया गया, जिसकी सूचना जंगल से गुजर रहे पशु चराहों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वन अरण्यपाल बिलासपुर RS पटियाल ने मामले की जानकारी देते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शिकार की पुष्टि होने पर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि बीते डेढ़ माह में वन जीवों की मौत का ये तीसरा मामला सामने आया है। बिलासपुर के जामली के पास NH पर कुल्लू से दिल्ली जा रहा सेब की पेटियों से लोड ट्रक बिलासपुर के जामली में NH 205 पर नियंत्रण खो जाने से करीब 200 फुट गहरी खाई में लुढ़क कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ट्रक सेब की पेटियां लेकर दिल्ली जा रहा था, सभी सेब की पेटियां चकनाचूर हो गई हैं। स्थानीय लोगों की सहायता से ट्रक चालक को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर चालक का इलाज चल रहा है। थाना सदर ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया और दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। धर्मशाला में बुद्धिजीवी बसते हैं और प्रबुद्ध मतदाता हैं, इसलिए जाति और वर्ग के आधार पर वोट नहीं डालेगा। ये शब्द पूर्व सांसद एवं मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया के पक्ष में योल के पीरू सिंह चौक और रामनगर में जनसभा को संबोधित करने के उपरांत धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहे। शांता कुमार ने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबले की बातें महज अफवाहें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी धर्मशाला और जिला कांगड़ा की जनता ने जातिवाद और वर्गवाद को नकार कर BJP को जीत दिलाई थी। हालांकि लोकसभा चुनावों से पहले हमें भी लगा था कि वर्ग विशेष की बहुलता वाले क्षेत्रों में हम पिछड़ सकते हैं, लेकिन प्रबुद्ध जनता ने अपना दृष्टिकोण साफ करके BJP को जीत दिलाई। शांता कुमार से उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राजनीति मेरी अथवा मेरे परिवार की जागीर नहीं है, अपितु राजनीति लोगों और मेरी पार्टी की है, तो राजनीति को मुझे किसी को देने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दी। शांता कुमार ने कहा कि उन्हें कांग्रेस की हालत पर दुख हो रहा है। देश में विपक्ष होना बहुत जरूरी है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते एक अच्छा विकल्प थी, लेकिन आज वे नेता विहीन है। जिस अध्यक्ष से कांग्रेस ने उम्मीद लगा रखी थी, वे चुनाव में हार के बाद त्याग पत्र देकर पीछे हट गए। आज हालत ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष विहीन है और अध्यक्ष पद सोनिया गांधी की गोदी में फेंक दिया गया है। शांता कुमार ने कहा कि उनकी निजी इच्छा है कि कांग्रेस नेहरू परिवार से बाहर निकलकर खड़ी हो। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की खुशनसीबी है कि एक माह के भीतर दो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, 7 व 8 नवंबर को इन्वेस्टर मीट और उससे पहले 21 अक्टूबर को वोटर मीट। इन्वेस्टर मीट एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसकी प्रदेश को लंबे समय से जरूरत थी। इस बार हम कह सकते हैं कि हमारी औद्योगिक नीति सबसे बेहतर है। अधिकारी वर्ग ने भी खूब मेहनत की है, लेकिन हमारे विपक्षी लोग सिर्फ विरोध करने के लिए इन्वेस्टर मीट का विरोध कर रहे हैं। शांता कुमार ने सवालों के जवाब में माना कि धर्मशाला के विकास में कुछ कमियां रही हैं और उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। ज्वालामुखी में दिन दहाड़े एक घर में चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने बड़ी सफाई से घर का ताला तोड़कर यहां अंदर अलमारी में रखे गहनों वो 20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घर के मालिक का कहना है कि तकरीबन 15 या 20 मिनट में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घर में चोरी की वारदात पेश आने के बाद घर के मालिक ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस के पास की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को लेकर घर के मालिक व आसपास के लोगों के बयान कलमबंद किए। पुलिस ने इस मामले को लेकर छानबीन जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार ये चोरी का मामला ज्वालाजी के वार्ड नंबर 2 पुराना बाजार के रहने वाले गिरीश के साथ पेश आया, जब वह दोपहर 1 बजे के करीब अपने नए घर में ताला लगाकर साथ लगते पुराने घर में किसी काम से गया। गिरीश के अनुसार
इस बीच 15 या 20 मिनट बाद जब वापस ने घर की तरफ देखा तो घर का ताला टूटा है। गिरीश का कहना है कि जब अंदर जाकर उसने देखा तो घर की अलमारी खुली हुई है और उनके अंदर रखा हुआ सोने के गहनों का सेट जिसकी कीमत 70,000 के लगभग थी, इसके साथ 20,000 रुपए नगद भी गायब है। डीएसपी ज्वाला जी तिलकराज ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही मामले को सुलझा लेगी।